हेलो गाइस, आज मैं धौलपुर ज़िले की एक सरमतरा तहसील है, नगर पालिका है, उसमें आया हूँ घूमने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा किला है जो बताते हैं कि राजा महाराजाओं के ज़माने का है। देखिए, इसमें हम अंदर जाएंगे अभी। और सुनने में आता है कि इसमें एक दिन के लिए शायद तात्या टोपे जी थे, वो रुके थे यहाँ पर। वही महल है ये। तो गाइज ये देख लीजिए, ये मेरे साथ में मेरे मामा जी के लड़के हैं दोनों। ये दोनों मेरे साथ में आए घुमाने के लेके आए। और ये देखिए, ये किला है, मैं काफ़ी नीचे से आया हूँ। एक गुप्त किला बताते हैं इसको। ये काफ़ी नीचे से आया हूँ मैं यहाँ से। और यहाँ पे अभी तो आबादी हो गई है। और ये देखिए, किला काफ़ी ऊँचा है। और अब इसमें हम अंदर जाएँगे, देखेंगे क्या क्या है इसके अंदर। बताते हैं, गुफा भी है इसमें, पर बंद करके रखी है तो उसे जाने नहीं देते किसी को। ये मंदिर आ गए। ये एक पेड़ लगा हुआ है, उसके साइड से ये जो सीढ़ियाँ गई हैं, बताते हैं इनका नाम बुर्ज सिड्डी है। बुर्ज एग्जैक्टली बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, शायद बुर्ज सिड्डी। ऊपर चलेंगे, चल इससे ऊपर जाएंगे, सावधानी से जाना है, सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं कुछ। ए भाई, आराम से जाना, कोई सांप बाप तो नहीं निकलेगा इसमें? सांप काटे लग रहे हैं यार। ये देखिए भाई, एक सीढ़ी ये टूटी हुई है इसमें से, बहुत पुराने ज़माने का है बताते हैं। तात्या टोपे जी यहाँ पे एक दिन के लिए रुके थे शायद, ऐसा सुनने में आया है। ये देखिए, यहाँ से सरमतरा शहर काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है, काफ़ी ऊंचाई है। ये दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से, शायद एक मंदिर दिखाई दे रहा है। ये महाकाल जी का मंदिर है। आ रहे हम तो वो बड़ा गेट है, यहाँ से दिखा दे झुकर के। कौन सा बड़ा गेट है? वो सिंहद्वार। अच्छा वो, अच्छा ये बड़ा गेट है। अपन इससे आए हैं, ये नीचे वाले रास्ते से, गुप्त द्वार से। हम इसके अंदर गुप्त द्वार से प्रवेश हुए हैं भाई। और ये अभी बोल रहे हैं एक बाबा जी हैं, ये वाले बोल रहे हैं कि नीचे आओ, वहाँ पे मत जाओ। ठीक है, हम अभी रिटर्न जा रहे हैं। लोग चिल्ला के बोल रहे हैं क्यों जा रहे हो वहाँ पे, हमें भी डर लग रहा है। तो भाई मेरे को तो वैसे भी डर लग रहा है, कहीं गिर ना जाऊँ। भाई ये कुछ कहेंगे तो नहीं? हाँ ठीक है भाई। तो भाई वहाँ से तो हमें भगा दिया गया है बाबा जी के द्वारा, और वहाँ से तो हम वापस आ गए हैं, थोड़ा बाहर निकल आए हैं हम यहाँ से। और ये एक और महल है यहाँ पे, थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आपको। भाई यहाँ पे ये उसी से जुड़ा हुआ एक महल है, इसमें अंदर नहीं जाने देते हैं किसी को भी। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, धूर्तों के जाल से बचो बेटे, पता नहीं है क्या क्या लिखा है। ये लॉक भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर किसी को नहीं जाने दिया जाता है। ये महल है और काफ़ी दूर तक है, बहुत पुराना महल है और खंडहर डला है पूरा, और बहुत बड़ा भी है। लेकिन पूरे की वीडियो नहीं बनाने दी जा रही है, मतलब वहाँ पे कुछ लोग वैसे मना नहीं करते, लेकिन टोक देते हैं कि क्या कर रहे हो वहाँ पे, मत जाओ, गिर जाओगे, या फिर कुछ भी कारण हो पता नहीं है कैसे, पर मना कर रहे हैं वो लोग। ये जो गेट दिख रहे हैं, ये कई सालों से खुले नहीं है और पूरे टूट फूट गए, खत गए, ख़राब हो गए पूरे, सबसे लॉक पड़े हैं ये वाले गेटों के, कुछ लॉक नहीं पड़े हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं जाने दिया जाता है। वैसे मंदिर ही है इनके अंदर भी, कारण क्या है वो नहीं पता मुझे। देखिए कितना
नीचे तक जाता है। अभी ये ढलान टाइप में बना हुआ है रास्ता, भी बिल्कुल पतली पतली गली है और यहाँ पे बंदर भी काफी है। बंदर आ रहा है, बंदर आ रहा है, मोबाइल बोल के छीन ले जाते हैं। तो भाई हम किले से बाहर आ गए हैं और उस किले के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि उससे बहुत ज़्यादा पूरा काफ़ी ज़्यादा पुराना मंदिर, सॉरी मंदिर नहीं, एक्चुअली किला, काफ़ी ज़्यादा पुराना किला बताया जाता है। वहाँ पे जो हम ऊपर गए थे सीढ़ियों से, तो उसी के जस्ट नीचे बताते हैं कि एक कारावास है जिसमें कैदियों के कंकाल आज भी पड़े हैं। तो हमें तो देखा नहीं है, लेकिन वो खुला ही नहीं है तो देखेंगे कहाँ से। और एक दो गेट हैं जो खुलते हैं, बाकी सबको बंद रखा जाता है मैक्सिमम टाइम पे। हम वहाँ से निकल आए हैं और हम आ गए हैं अभी महाकालेश्वर मंदिर, सरमथरा वाले जो धौलपुर ज़िले का सरमथरा में महाकालेश्वर मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं हर शनिवार को। तो अभी हम भगवान के दर्शन करेंगे, महाकाल के दर्शन करेंगे। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि मंदिर में मोबाइल को ले जाना या वीडियो चलाना, सॉरी मोबाइल ले जाना, अलाउड नहीं है। हाँ तो भाई हम महाकाल के दर्शन कर लिए हैं हमने करके, और हम यहाँ पे एक पार्क है छोटा सा, ये देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बच्चे घूम रहे, बच्चे खेल रहे हैं, काफ़ी एक्सरसाइज करने की मशीनें भी लगी हैं छोटी मोटी, और ये पार्क है, इसमें हम बैठे हैं अभी। और मैं इसी के साथ वीडियो को विराम देता हूँ। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद।